हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कनेक्ट रूबल यूट्यूब चैनल में। आज लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट IRCC की द्वारा जो उनसे की गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट को लेकर। यह अपडेट स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो उनसे क्यूबेक में पढ़ रहे हैं और आने वाले इंटेक्स में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज, मैं आपको पहले अवेयर करना चाहता हूँ, अगर आप अनसब्सिडाइज प्राइवेट कॉलेजेस में स्टडीज़ करने की सोच रहे हैं और स्टडीज़ कर रहे हैं, लाइक आपने अभी एक ही सेमेस्टर कंप्लीट किया है, तो मेरी यही एडवाइस रहेगी दोस्तों, अपना कॉलेज चेंज करना ही एक बेस्ट और सेफ सॉल्यूशन है। चलो पहले तो बात करते हैं रिसेंट अपडेट की। रिसेंट अपडेट ये है कि जो से स्टूडेंट्स 1 सितंबर 2023 के बाद अनसब्सिडाइज प्राइवेट कॉलेजेस में अपनी स्टडीज़ करेंगे, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड गाइस, द रूल्स आर चेंज नाउ। और जो स्टूडेंट्स इवन कि 1 सितंबर 2023 से पहले इन कॉलेज में पढ़ेंगे, जो उनसे अनसब्सिडाइज प्राइवेट कॉलेजेस में होंगे, उन्हें भी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा, मगर उतना जितना टाइम उन्होंने 1 सितंबर 2023 से पहले इन कॉलेज में स्टडी की होगी। तो गाइस हाँ, इस बात का ध्यान रखें, अगर आप यानी कि इस सितंबर 2022 और जनवरी 2023 से इन कॉलेज में पढ़ने की सोच रहे हैं, आपको PGWP उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, लाइक द टाइम विच यू स्पेंड बिफोर 1 सितंबर 2023। तो पहले ही कॉलेज चेंज करना एक वाइज डिसीजन रहेगा इस टाइम पे, अकॉर्डिंग टू द रूल्स चेंज बाय IRCC। सो गाइज, आई एम टॉकिंग on the facts, please keep these things in mind before starting or continuing your studies. The last, you have paid enormous amount of fees just to get your post graduation work permit and make your future, which is in danger according to the news updated by IRCC. Please change your college if you haven't started your studies, and if you have completed only one semester, you can still have time to rethink about it. तो guys, वो students affected रहेंगे इस rule से जो उनसे unsubsidized private colleges में अपनी study करेंगे, और उन students को कोई effect नहीं होगा जो उनसे government और subsidized private colleges में अपनी studies करेंगे Quebec में। अब बात करते हैं कौन से unsubsidized private colleges हैं। मैं कुछ colleges का नाम लूँगा, जैसे कैंसले कॉलेज, माइलस्टोन कॉलेज, CDI कॉलेज, CDE कॉलेज, ये कुछ अनसब्सिडाइज प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ये कुछ कॉलेजेस के मैंने नाम लिए हैं, अगर लिस्ट की बात करें ये बहुत ही लंबी है अनसब्सिडाइज प्राइवेट कॉलेजेस की। आप फिर भी अगर कंफ्यूजन में हैं कि आपका कॉलेज सब्सिडाइज्ड प्राइवेट कॉलेज है या नहीं, और अगर आप PGWP के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आप कमेंट करके अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं और मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूंगा, आपको अपडेट करूंगा कि आपको PGWP मिलेगा कि नहीं, अगर आप जिस कॉलेज में भी पढ़ने जा रहे हैं। अब बात करते हैं सब्सिडाइज्ड और गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं। ये कुछ कॉलेजेस हैं, वैनियर कॉलेज, डर्सन कॉलेज, CJEP, द जिम कॉलेज, लसाल कॉलेज, कंकोडिया यूनिवर्सिटी, मैगज यूनिवर्सिटी, एंड द लिस्ट विच हैज़ नेवर बीन एंडिंग। देर आर सो मैनी गवर्नमेंट एंड सब्सिडाइज्ड कॉलेजेस इन मॉन्ट्रियल क्यूबेक। तो दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपका कौन से कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, कि आप एलिजिबल होंगे PGWP के लिए कि नहीं, मैं उन सब का आंसर करूँगा इस वीडियो के नीचे। तो यही कहते हुए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके ये रीसेंट अपडेट के डाउट क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, जाते जाते मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप कॉलेज चेंज करने की सोच रहे हैं और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं कनेक्ट रूबल नाम से, और आप सीधा जोली इमिग्रेशन कंसल्टेंट से भी रीच आउट कर सकते हैं, उनकी आई डी मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगा। तो ये आपको पूरी हेल्प करेंगे कॉलेज चेंज करने में और आपके पसंदीदा प्रोग्राम लेने में, जहाँ पर आपको ज़्यादा दिन कॉलेज भी ना जाना पड़े और आप स्टडीज़ भी अपनी कर सकें। आखिर में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आशा की किरण अभी भी बाकी है दोस्तों, आपको हौसला रखना होगा, भगवान आपके साथ है,
और आप जो चाह रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।